In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Cocktail. Dosto movie Cocktail, jo release hui thi 13 July 2012 ko, ye ek Bollywood romantic comedy drama movie hai, jisko 5 mein se 3 star ki rating di gayi thi. Iske director hai Homi Adajania, producer hai Saif Ali Khan aur Dinesh Vijan. Baat karte hain writer ki to wo hai Imtiaz Ali aur Sajid Ali. Ab aate hain cast par, isme Saif Ali Khan, Diana Penty, Deepika Padukone, ye tino isme lead role mein nazar aaye the, lekin baat kare supporting role ki to supporting role mein थे डिंपल कपाड़िया, बोमन ईरानी और रणदीप हुड्डा, ये तीनों इसमें सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। साथ ही बता दें कि ये बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी की बॉलीवुड डेब्यूट फिल्म है, जिसके लिए उन्होंने इस फिल्म के लिए टोटल 2 अवार्ड्स जीते थे बेस्ट फीमेल डेब्यूट के। वैसे फिल्म ने टोटल सिर्फ 5 ही अवार्ड्स जीते थे, 5 में से 3 अवार्ड्स जीते थे दीपिका पादुकोण ने जो थे बेस्ट एक्ट्रेस के, और 3 के अलावा 2 अवार्ड्स जीते डायना पेंटी ने बेस्ट फीमेल डेब्यूट के। बात करते हैं बेसिक स्टोरी। अब जो फिल्म की स्टोरी है वो फोकस करती है सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी के ऊपर। क्या होता है जब इन तीनों की मुलाकात होती है तो तीनों धीरे धीरे आपस में बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब स्टार्ट हो जाता है इन तीनों का आपस में एक लव ट्राइंगल। लेकिन अब कहानी में टर्न तब आता है जब इन तीनों की जो लव स्टोरी होती है, यानी कि इन तीनों का जो लव ट्राइंगल होता है, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। अब ऐसे में इन तीनों की लव स्टोरी कहां तक जाती है ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा। खैर बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 76 करोड़ रुपीज का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 105 करोड़ 60 लाख का, 105 करोड़ 60 लाख रुपीज का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 24 करोड़ 40 लाख, 24 करोड़ 40 लाख की कलेक्शन की थी। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 130 करोड़ का। इसका बजट था 35 करोड़ का। अब 35 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 76 करोड़ रुपीज का, उस हिसाब से अगर हम इंडिया के नेट कलेक्शन के अकॉर्डिंग फिल्म की वर्डिट की बात करें तो फिल्म इंडिया में हिट साबित हुई थी। लेकिन अगर हम इंडिया का नेट और इंडिया से बाहर ओवरसीज इन दोनों को इंक्लूड कर दे तो फिल्म के जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वर्ल्ड वाइड वो है ब्लॉकबस्टर की। यानी कि फिल्म की ऑफिशियल वर्डिक्ट है ब्लॉकबस्टर की, कॉकटेल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। गानों की बात की जाए तो फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 12 गाने थे, कुछ गाने हिट साबित हुए थे। गानों को कंपोज किया था प्रीतम चक्रवर्ती जी ने और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे इरशाद कामिल जी ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।